बांग्लादेश क्यों हमसे आगे बढ़ गया और वाकई जैसे आप कह रहे हैं उनकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत इंप्रेसिव है। हर किस्म के सोशल इंडिकेटर पे वो हमसे आगे हैं। बांग्लादेश एक सेक्युलर मुल्क बना, पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के सबसे नीचे रैंकिंग पासपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू मी चैनल, होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्वेन है, आप देख रहे हैं स्वेन रिएक्शंस। बांग्लादेश स्मार्ट बांग्लादेश बन चुका है, बांग्लादेश डिजिटल बांग्लादेश बन चुका है, जबकि अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान का हालात जो है, पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि एक्सट्रीम पॉवर्टी हद से ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से इस हवाले से बातचीत की जा रही है, आखिर कौन सी ऐसी वजूहत हैं कि बांग्लादेश इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा है, और बांग्लादेश से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बाकायदा फॉलो किया है। पर यहाँ पे शेख हसीना जो है, और शेख हसीना की जो लाइक पार्टी है, टीम है, उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है, पाकिस्तान के हालात के साथ कंपेयर किया जा रहा है। क्योंकि आज अगर हम बांग्लादेश का टका देखें तो बांग्लादेश का टका पाकिस्तान के जो रुपया है उससे डबल से भी ज़्यादा वैल्यू जो है हासिल कर चुका है, और पाकिस्तान का रुपया ठीक है उस 2% के बराबर हो चुका है जिसके बारे में हमेशा पाकिस्तानी बात करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के बहुत अहम किस्म के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ठीक है राइटर हैं, सीनियर हैं, जिन्होंने इस हवाले से बाकायदा जो है बातचीत की है। अभी आज रिपोर्ट मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। बांग्लादेश के लाइक फिगर्स की बात की है इन्होंने कि हर सेक्टर में बांग्लादेश आगे है, जबकि पाकिस्तान अब कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को जी लाजमी लाइक कर दिया करें, आप लोग वीडियो लाइक करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। बांग्लादेश क्यों हमसे आगे बढ़ गया और वाकई जैसे आप कह रहे हैं उनकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत इंप्रेसिव है। हर किस्म के सोशल इंडिकेटर पे वो हमसे आगे हैं। बांग्लादेश एक सेक्युलर मुल्क बना, पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के सबसे नीचे रैंकिंग पासपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर मुफक्कर, मुसन्नफ, शायर, कलमकार, राइटर, थिंकर, ऑथर, और बहुत सारी इनकी बुक्स मार्केट्स में भी आ चुकी हैं, जनाब डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर साहब। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मुझे इनवाइट किया, तो लेट्स हैव द डिस्कशन। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। जी जी डॉक्टर साहब, मैं बात करना चाहता हूँ भुट्टो के पाकिस्तान की और शेख मुजीबुर रहमान के बांग्लादेश की। जी, जो आज शेख मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश जनाब डिजिटल बांग्लादेश से कन्वर्ट हो गया है स्मार्ट बांग्लादेश की तरफ से, और लिटरेसी रेट उनका कहां चला गया 98 पर, पॉवर्टी से वो निकल चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट आज जो भुट्टो का पाकिस्तान है वहां पर लोग आटा लेने के लिए लेनों में लगे हुए हैं और अमवात हो रही है, हमारी इकोनॉमी कहां पर चली गई, और इसको आप किस तरह से देखते हैं, इसकी वजह क्या है कि आज बांग्लादेश पाकिस्तान से इतना आगे निकल गया है? एक्चुअली तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को जिन्ना का पाकिस्तान कहना चाहिए, भुट्टो साहब तो बाद में उसका उसकी कड़ी बने हैं ना, जिन्ना का पाकिस्तान जो है 1971 के उसके तनाजुर में बात करना चाह रहा था। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, चले 71 के बाद भी शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिसीज जो है वो नेशनलाइजेशन, पता नहीं उस जमाने में सोशलिस्ट एक ख्याल था कि अगर हम ये इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर लें और अवाम के कंट्रोल में ले आए तो इससे सोशल रिफॉर्म हो सकते हैं, लेबर रिफॉर्म हो सकते हैं, शायद इस नेक नीति से किया गया। लेकिन सोशलिज्म का वो एक्सपेरिमेंट सारी दुनिया में कामयाब तो नहीं हो सका। चाइना में अगर हुआ है तो उन्होंने सोशलिज्म को खत्म करके कैपिटलिज्म
की बुनियाद पे अपने मुल्क को इतनी तरक्की दिलवाई है, और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का एक डिक्टेटरशिप जो है सोसाइटी पे वो उन्होंने कंट्रोल रखा है। बांग्लादेश क्यों हमसे आगे बढ़ गया, और वाकई जैसे आप कह रहे हैं उनकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत इंप्रेसिव है। हर किस्म के सोशल इंडिकेटर पे वो हमसे आगे हैं, और उसकी मेन वजह ये है कि उन्होंने जंग में और हिंदुस्तान के साथ कॉन्फ्रंटेशन में अपनी स्केर्स रिसोर्सेज, देखे गरीब मुल्कों के पास अपनी वेल्थ बहुत कम होती है, अगर वो आप सारी डिफेंस में लगा दें और एक बहुत बड़ी मिलिट्री आर्मी को वो आप पालना शुरू कर दें तो आपका तरक्की की तरफ कैसे रुझान होगा, एक तो ये है। दूसरा, उन्होंने भुट्टो साहब ने जो सियासत की उसकी बड़ी एक अपनी स्टोरी है, लेकिन खासतौर पर जनरल ज़िया के आने के बाद इतनी ज्यादा इस्लामाइजेशन और ये और वो, तो एक्सट्रीमिज्म की तरफ हम गए, और एक्सट्रीमिज्म में माइनॉरिटीज पे और औरतों के ऊपर एग्रेशन जो है वो एक आइडियोलॉजी बनी जी। तो इसके बरक्स बांग्लादेश एक सेक्युलर मुल्क बना, उन्होंने औरतों के राइट्स को, डॉक्टर यूनस जो है जिनको नोबेल प्राइज भी मिला, कोशिश की कि उनकी अपनी कुछ बिजनेसेस शुरू हो जाए, वो अपने खावन के अलावा खुद इनकम अर्न करने शुरू कर दें। तो इस किस्म की रोशन ख्याल मॉडर्न पॉलिसीज बांग्लादेश ने इख्तियार की। हमारा कमाल ये है कि हम 7वीं सदी ने देखी है। यहाँ पे इन्होंने काफी की पॉइंट्स हैं जो कि शेयर किए हैं, अगर हम अलग बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे एक अहम चीज़ है कि पाकिस्तान पिछले 75 साल से अपनी डॉलर आर्मी का पेट भर रहा है, ठीक है, और वो आर्मी जो कि पाकिस्तानियों को ही, ठीक है, उनको सबडक्ट करने में लगी हुई है, उनको नंगा करने में लगी हुई है, और जिसकी बात उनको पसंद नहीं आती इस्टेब्लिशमेंट जी उस बंदे को उठा के ले जाती है। तो सबसे बड़ी यहाँ पे मैं कहूँगी कि कमी ये है कि पाकिस्तानी जो पाकिस्तानियों का टैक्स है उसकी बड़ी मकदार जो है इन इस्टेब्लिशमेंट के खाते में चौके जा रही है, और जिसको वो एज सच लाइक इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करते कि जी हाँ हम कुछ ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो पाकिस्तान के नहीं सिर्फ बल्कि पाकिस्तानियों के भी दुश्मन हैं, और पाकिस्तानियों के साथ जो सलूक हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं वो भी आप उनकी नज़रों के सामने से गुजरती हैं एवरी डे। तो यहाँ पे मैं सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही है कि पाकिस्तान के बजट का बड़ा हिस्सा जो है इन लोगों के खातों में चला जाता है जो कि पाकिस्तान से वफादार नहीं है, पाकिस्तान की वफादारी के कायल नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने एक बहुत अहम पॉइंट शेयर किया कि औरतों को जी इंडिपेंडेंट किया गया, औरतों को आगे लेके आया गया, औरतों के हकूक जो है उस पर काम किया गया बांग्लादेश की जानिब से, शेख हसीना की जानिब से हर औरत को इंडिपेंडेंट किया गया। आज यही वजह है कि हर औरत वहाँ पे अपने बिजनेस कर रही है और अपने जो काम हैं उनको आगे लेके चल रही है, अपना ख़ानदान लेके चल रही है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बांग्लादेश में औरतें आज इंडिपेंडेंट हैं, मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। सो अगर लाइक पाकिस्तान में अगर 50% से भी ज़्यादा की आबादी जो है औरतों की है, अगर इतनी बड़ी तादाद में औरतें जो हैं घरों में बैठी रहेंगी और सिर्फ खाना पीना इंजॉय करेंगी तो जाहिर सी बात है मुल्क की इकॉनमी में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा, तो ऐसे में मुल्क की इकॉनमी पे बहुत बड़ी आबादी जो है बर्डन बन के सामने आती है, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश में चीज़ें इससे बरक्स हैं, और बांग्लादेश में औरतें जो है घर चलाती हैं, अपने खर्चे पूरे करती हैं, और मर्द की जो कमाई है उस पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के मोस्टली मर्द जो हैं आज भी 70 की दहाई को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल भी जो मेंटल ग्रोथ है वो नहीं हुई है। पाकिस्तानी जो मोस्टली हैं लाइक यहाँ पे औरतों के काम ना करने की वजह मैं औरतों को नहीं दूंगी, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली मर्दों की जानिब से औरतों को काम करने ही नहीं दिया जाता,
सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो इंडिपेंडेंट ना हो जाएं, और अगर वो इंडिपेंडेंट हो गई तो हमारे से आगे निकल सकती हैं और हमें पीछे छोड़ सकती हैं, और ऐसा ना हो वो अपने हकूक़ की जंग जो है लड़ना स्टार्ट कर दें। तो ये तहफ़ुज़ात है पाकिस्तान के मोस्टली आदमियों के, जिसकी वजह से वो औरतों के काम करने को सपोर्ट नहीं करते। तो ये आई थिंक टू मेन रीजन्स हैं, और यहाँ पे साथ ही लाइक पॉलिटिकल क्लास जो है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, और शेख हसीना ने बांग्लादेश में काफ़ी इसको बेहतर अंदाज में जो है मैनेज किया हुआ है, और ये भी इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया है। वाले आप लोग क्या कहेंगे इसके हवाले से, मेरे ओपिनियन के हवाले से जो मैंने आप लोगों को ओपिनियन शेयर किया है और बातें इन्होंने की हैं, आप लोग लाजमी शेयर करें। आप लोगों का क्या कहना है इसके हवाले से कॉमेंट सेक्शन में बताएँ। वीडियो को जी आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है, दिल खोल के शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो ओपिनियन है वो हम तक पहुंच सके। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।